नफ्सियात कहती है इंसान को सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती बल्कि मुस्तकिल मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जो शख्स आपको कुछ दिन मोहब्बत दे और कुछ दिन भूखा रखे तो ऐसा शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि आप पर ज़हनी तशद्दुद करता है। माहिर नफ्सियात कहती है अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी अख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। बीक में खरात मिलती है, मकाम रुतबा और इज्जत नहीं। माहिर नफ्सियात कहती है हमेशा किसी ऐसे शख्स के साथ रहें जो आप पर एतमाद करता है। कोई शख्स जो आपको गजब के बगैर प्यार करता है, कोई ऐसा शख्स जिसने आपकी सारी खूबियाँ और खामियाँ देखी हों और फिर भी आप पर भरोसा करे। ऐसे शख्स के साथ रहो जो आपकी मौजूदगी पर फख्र करता हो और आपकी गैर मौजूदगी में आपको याद करता हो। माहिर नफ्सियात कहती है औरत की कोई फलसफी नहीं है। कभी ये घर के मुलाजम को दिल दे बैठती है, कभी बादशाह को भी खातर में नहीं लाती। एक पढ़े लिखे सुलझे हुए मर्द को नज़रअंदाज करके एक आम से इंसान को मंजूर लेती है। औरत अगर बसाना चाहे तो झोंपड़ी में भी खुश रहती है, ना बसना चाहे तो महलों को भी लात मार देती है। माहिर नफ्सियात कहती है अगर आपका दिल बेवजह परेशान हो, उदास हो तो इस अंदाज से वजू करें कि पानी का एक एक कतरा जो आपके चेहरे और हाथों से ठहरता है उन्हें मुकम्मल शहूर के साथ महसूस करें और इस अंदाज से कुरान का तर्जमा पढ़ें कि सारे जहानों का मालिक अल्लाह ताला है, इस वक्त आपसे बात कर रहा है और आपको गाइड कर रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है। ये सब करने के बाद आपके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलेगा जो और किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। क्यों ना के मेरे नज़दीक अगर रूह बीमार हो तो कुरान से बेहतर कोई दुआ नहीं। कामयाब होने के तीन असूल हैं, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत अरादा। एक खतून की तहरीर पढ़ी गई जिसमें लिखा गया था, कमाल का जुमला है, मुझे अच्छा लगता है मर्द से मुकाबला ना करना, उससे एक दर्जा कमज़ोर रहना। मुझे अच्छा लगता है जब कहीं बाहर जाते हुए वो मुझसे कहता है रुको मैं तुम्हें ले जाता हूँ या मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझसे कदम आगे चलता है, गैर महफूज और ख़तरनाक रास्ते पर उसके पीछे पीछे उसके छोड़े हुए कदमों के निशान पर चलते हुए मुझे अच्छा लगता है। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरत रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा।